वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेगा स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं, जैसे छोटे बच्चों के फ्रॉक के लिए हम बना सकते हैं या ब्लाउज़ के लिए भी हम मेगा स्लीव्स लगा सकते हैं, तो ये इसकी कटिंग कैसे करनी है ये आज आप देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है, ये मैंने आपको सिखाने के लिए लिया है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से, जैसे स्क्वेयर में हमें कपड़ा लेना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये स्क्वेयर में, तो हमें ये ट्रायंगल में पहले करना है। जैसे ट्रायंगल शेप हम इसका करते हैं, देखिए ये हम इस साइड से करेंगे। यहाँ पे पहले हम ट्रायंगल शेप बनाते हैं। इसका ट्रायंगल शेप बनाने के बाद इसको फिर से हम वापस इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे ये जो है ये हमारी लेंथ है, जैसे स्लीव्स की ये हमारी लेंथ आती है, और ये जो आता है ये हमारा बॉटम आता है। ये एक साइड का ये जो है इसकी लेंथ आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। आप मेगा स्लीव्स की लेंथ जो है जितनी कम लोगे उतनी ये मेगा स्लीव्स अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच लेनी है। जैसे तैयार हमें 3.5 इंच चाहिए, तो हम 3.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं। उसके बाद जितना आपका आर्महोल होगा, जैसे हमारा आर्महोल है 5.5 इंच, तो हम 7.5 इंच इसकी बाजू की चौड़ाई लेते हैं, तो हम 7.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से बाजू का शेप देंगे तो भी ये बाजू अच्छी आती है, नहीं तो यहाँ पे आप 1 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ से आपको थोड़ा सा सिलाई में चाहिए तो आप 1 इंच पे एक मार्किंग करके फिर बाजू का आप इस तरह से शेप देना है। और ये जो है इसको एक ही शेप आता है, जैसे नॉर्मल बाजू को हम फ्रंट साइड का अलग और बैक साइड का अलग देते हैं, तो इस बाजू को एक ही शेप आता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी दोगे तो भी ये, जैसे रेडीमेड फ्रॉक के लिए या रेडीमेड ब्लाउज़ के लिए वो बाजू आती है, तो उसका क्या होता है यहाँ से डायरेक्ट शेप देते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 इंच लिया है, फिर उसके बाद इसको हम कट करेंगे। तो ये बाजू हमारी इस तरह से आएगी, जैसे ये हमारी लेंथ आएगी और ये हमारा यहाँ से हमारे आर्महोल में इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये, आप ये फ्रॉक के लिए या ब्लाउज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मेगा स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी थी, कैप स्लीव, इसको कैप स्लीव्स भी बोलते हैं, तो कैप स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी थी ये मैंने आपको दिखाई है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।